स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 3 चल रही है और उसमें हम कंप्यूटर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और हमारी कंप्यूटर की एक क्लास जो है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें जो कंप्यूटर जनरेशन है उसको कवर किया गया है। इसके अलावा मेमोरी, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। जनरेशन से भी वहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जो वहाँ डिस्कस किया गया है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं। तो आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी लंबी है, लेकिन आप उसको पेशेंस के साथ देखिएगा। चलिए आज के क्लास में हम बात करते हैं कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वेश्चंस गलत कर कर आते हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं होती। तो देख लेते हैं जल्दी से। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जो भी कंप्यूटर में अगर आपको डेटा स्टोर करना हो तो आप कैसे करोगे, आप इंस्ट्रक्शन दोगे, एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो प्रोग्राम जो बनता है वो या तो उसकी लैंग्वेज हाई लेवल होती है या फिर लो लेवल होती है। इनिशियली जब कंप्यूटर का विकास आरंभ हुआ था तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो लो लेवल लैंग्वेज थी, यानी कि प्रारंभ में जो भाषा थी, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो शून्य पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें हमारी मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। तो एक जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज, LL का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो है आपका मशीन लैंग्वेज, एक है आपका असेंबली लैंग्वेज। देखिए शून्य पीढ़ी का जब हमने जनरेशन में, जो कंप्यूटर जनरेशन में हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हमने उसमें ये देखा था कि जो मशीन लैंग्वेज है वो यूज़ हो रही थी कहाँ, वो यूज़ हो रही थी शून्य जनरेशन में। ऑल दो जो असेंबली लैंग्वेज है उसका जो आविष्कार हुआ था या जो प्रारंभ हो गई थी, जो उसका आविष्कार हुआ था वो फर्स्ट जनरेशन में हो गया था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का जो प्रयोग आरंभ हुआ था वो सेकंड जनरेशन में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज का विकास भले ही फर्स्ट जनरेशन में हुआ हो, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी या इसको जो यूज़ करना हमने शुरू किया था वो हमने किया था सेकेंड जनरेशन में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, ये कैसी लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अगर आपको ये क्लासिफिकेशन पता है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है, वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है, एक तो मशीन लैंग्वेज होती है जिसको हम मशीनी भाषा बोलते हैं, और एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब ही ये हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि जो कंप्यूटर्स थे वो 0 और 1, मतलब हमें कुछ भी मैसेज उसमें लिखना हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना हो, कोई भी चीज़ हमें उसमें डालनी हो, डेटा को स्टोर करना हो, तो हम या तो 0 या 1 के फॉर्म में ही करते थे। बट इसको समझना बहुत ज़्यादा कठिन था क्योंकि अगर सपोज़ आप कोई भी, आप सोच सकते हैं कि इतना सारा डेटा केवल आपको दिख रहा है क्या 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में, और आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ईजिली हम मतलब ह्यूमन बींग ईजिली उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या लिखा हो हुआ है। तो इसकी जो जो डिफ़िकल्टी थी, इससे उबरने के लिए हमने क्या करा, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया। असेंबली लैंग्वेज में एटलीस्ट ये था कि हम जो अल्फ़ाबेटिकल जो करेक्टर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, हमने उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। किसमें, कंप्यूटर में। जैसे कि अगर सपोज़ आपको किसी चीज़ का एडिशन करना है तो आप ऐड लिख दो ADD, या फिर आप सम भी लिख सकते हो SUM। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपको करना है SUB आप डाल सकते हो। तो मतलब वहाँ पर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स थे उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली कब डेवलप हुई, जब मशीन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थी, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब आविष्कार आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाली चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा होगा।
तो ये इसके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा ये यूज़र फ्रेंडली तो थी नहीं कि मतलब इजीली आप हर चीज़, हर हर टाइप का इंस्ट्रक्शन या हर टाइप की बात आप उसमें स्टोर कर पा रहे हो। तो अब जो बात आती है वो आती है हाई लेवल लैंग्वेज की, यानी कि वहाँ से विकास आरंभ हुआ उच्च स्तरीय भाषा का। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम सभी जानते हैं, जैसे सी है, आपसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ओरेकल है या कोबोल है, तो वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? आपको ऑप्शन में दे देगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का किस पीढ़ी में, कंप्यूटर जो जनरेशन है उसको किस पीढ़ी में आपने यूज़ करना स्टार्ट करा? तो आप बता सकते हो कि अभी जैसे हमारा क्या है, हमारा जो चल रहा है फोर्थ जनरेशन चल रहा है, ठीक है। 5G जो है अभी हमारा आने वाला है, जो अभी आएगा आगे। तो 4G में आपको सबको पता है कि जो हमारे लैंग्वेज हैं हम यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी पर्सन्स होंगे उनको पता होगा, जैसे विजुअल बेसिक प्लस प्लस है, .NET है, ये सब जो है 4G जो फोर्थ जनरेशन है उनकी लैंग्वेजेस हैं। मतलब इन्हीं को जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन क्या है, वो फोर्थ जनरेशन में हम यूज़ करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पास्कल है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, या जो फोर्ट्रॉन है जो ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये कौन सी जनरेशन में यूज़ करते हैं या किस जनरेशन की ये लैंग्वेजेस हैं? तो आपको ऑप्शन में देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, शून्य, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट्रॉन, बेसिक, लोगो, पास्कल, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है और ये सभी थर्ड और फोर्थ दोनों ही जनरेशन में इनका यूज़, आप अगर ऑप्शन में थर्ड है आप थर्ड भी कर सकते हो, अगर थर्ड नहीं है तो फोर्थ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका एडवांस्ड वर्जन ही फोर्थ में हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ जनरेशन की अगर सपोज ये आता है, जैसे अगर दे दिया आपको विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक या विजुअल बेसिक प्लस 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 या .NET या प्रोलॉग, तो ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो किसकी हैं? फिफ्थ जनरेशन की। तो थोड़ा जनरेशन दिमाग में रखना है कि किस जनरेशन की ये लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि लैंग्वेज देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये विजुअल बेसिक, प्रोलॉग ये फिफ्थ जनरेशन की हैं, और ये फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, बेसिक है, सी, सी प्लस प्लस, ये किसकी हैं? ये थर्ड या आप फोर्थ जनरेशन में भी कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन की कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, इसके अलावा हमारा क्या होता है कि जो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा है तो वो ऑब्वियसली वो किसी फॉर्म में होगा, कोड में होगा, वो मतलब डिजिटल फॉर्म में होता है, जीरो और वन की फॉर्म में होता है। बट जब हम जब कोई भी चीज़ टाइप करते हैं कंप्यूटर पर या कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो हमें वो जीरो वन के फॉर्म में नहीं दिखता है, हमें क्या दिखती है? हमें इंफॉर्मेशन दिखती है जो कि एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। सपोज हमने सर्च किया या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमें 01 के फॉर्म में उनका नाम नहीं दिखाएगा। तो अब ये काम करता कौन है कि जीरो स्टोर, तो जो डेटा स्टोर हुआ है वो 01 के फॉर्म में हुआ है, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको जो कन्वर्ट किया जाता है वो करता है ट्रांसलेटर। तो ये आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है ट्रांसलेटर कौन सी डिवाइस है? ट्रांसलेटर वो डिवाइस है, डिवाइस विच चेंजेस वन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। यानी कि सपोज अगर मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जैसे कि आपका बाइनरी 01 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज है, तो उसको वो क्या कर देगी? हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसलेटर हैं, जैसे आपसे दो, जैसे एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। जो असेंबलर होता है आपसे पूछा जाता है कि असेंबलर क्या करता है, असेंबलर का फंक्शन क्या है? तो असेंबलर, जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि असेंबलर क्या करता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है, जो कि हमारी किस्में थी, जो एक लो लेवल लैंग्वेज है, उसको क्या करता है? उसको दूसरी फॉर्म में चेंज करता है, किसमें? असेंबली लैंग्वेज से वो कर देता है मशीन लैंग्वेज में। किस में कर देता है? असेंबली से मशीन लैंग्वेज में। यानी असेंबलर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर
एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, इंटरप्रेटर भी एक फॉर्म जो है लैंग्वेज की उसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोनों में एक इंटरप्रेटर भी यही काम करता है और कंपाइलर भी यही काम करता है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, किसमें, इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। असेंबलर तो हम इजीली पहचान लेते हैं, क्यों, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को वो किसमें कर रहा है, वो मशीन लैंग्वेज में, ऑब्वियसली जो जो कंप्यूटर जो फॉर्म समझता है उसमें कर रहा है, ठीक है। बट इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, कि वो लाइन बाय लाइन करता है या फुल पेज को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहली बात वो हाई लेवल लैंग्वेज को करेगा वो मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो तो केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, वो केवल बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी फॉर्म है लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज है उसी को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, जो जीरो और वन के फॉर्म में हो, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट कैसे, लाइन बाय लाइन, यानी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, यानी एक लाइन को पहले ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद दूसरी लाइन पर पहुंचेगा, फिर तीसरी लाइन पर पहुंचेगा। बट जो कंपाइलर होता है वो पूरे पेज को, वो पूरे जो जितना भी आपने उसको मतलब एरिया उसका कवर किया है, वो पूरे को एक साथ कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इंटरप्रेटर क्या करता है, आप थोड़ा याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे इंटरप्ट करना, इंटरप्रेटर से क्या आ गया, इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, रोक देना किसी को, है ना, इंटरप्शन की कहते हैं ना कि हाँ इंटरप्ट मत करो, इंटरप्ट, ठीक है, रोक देना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये लाइन बाय लाइन करता है, एक लाइन के बाद फिर रुक जाता है, फिर दूसरी लाइन पर पहुंचता है, फिर रुक जाता है। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर और कंपाइलर, आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको टिक करना होगा। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो वो देख लेते हैं। ये डायरेक्ट इसमें कोई भी, जैसे सपोज आपको लोगो दे दिया, लोगो क्या है, लोगो अभी हमने देखा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये आपको क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि लोगो क्या है, तो आप सोचोगे कि यार क्या है ये। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, अब लोगो की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली ये चाइल्ड फ्रेंडली जो लैंग्वेज है वो होती है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एल फॉर लैंग्वेज, ओ फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ, जी फॉर ग्राफिक, ओ फॉर ओरिएंटेड। फोरट्रॉन की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वो होता है फॉर्मूला, एफ ओ आर फॉर का मतलब हो गया फॉर्मूला, टी आर ए एन ट्रान का मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशन, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया ट्रांसलेशन। कोबोल, कोबोल की भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो है सी ओ कॉमन, बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ओरिएंटेड, एल फॉर लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिक की, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यहाँ पर मैंने बताया था, इसमें एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कोड है या कंप्यूटर है, ऑप्शन में दे देगा कंप्यूटर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कोड है, ठीक। पास्कल है, पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इनका, इसका नाम पास्कल लैंग्वेज, उन्होंने ही ये डिस्कवर की थी, एक्चुअली बनाई थी, तो उनके नाम पर पड़ा है। और एक है आपका, ये भी पूछ लेता है, ये PL1, PL1 क्या है, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन। तो ये कुछ बेसिक्स कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स थी, जो जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में जो मेमोरी से रिलेटेड है, एस रैम, डी रैम, ई प्रोम, प्रोम, डबल ई प्रोम, यूवी प्रोम, इन सब की फुल फॉर्म्स देखी थी। तो वो फुल फॉर्म्स छोटे छोटे क्वेश्चंस में, छोटे मार्क्स में पूछ लेता है, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉजिक गेट्स। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, अब आते कैसे हैं ये देख लेते हैं। देखिए, मेन जो गेट होते हैं, जो कंप्यूटर में जो आप सर्किट यूज़ करते हैं, वो मेन जो बेसिक सर्किट होते हैं वो तीन ही होते हैं। जो और दो या जो भी इसके अलावा जितने भी सर्किट्स हैं वो इन तीनों से ही डिराइव होते हैं। यानी मेन जो सर्किट हुए वो कितने हुए, वो तीन सर्किट हुए। पहले को हम बोलते हैं एंड गेट, दूसरा होता है एक और गेट, तीसरा होता है नॉट गेट, ठीक है।
अब देखिए एंड गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल विंबल पूछता नहीं है, लेकिन एक अगर हमें इसका फंक्शन देखना है या फंक्शन समझना है तो हमें इसका थोड़ा पता होना चाहिए। सपोज ए और बी क्या है, दो इनपुट हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं एंड गेट की, ठीक है। अब ए और बी क्या है, दो इनपुट हैं। दो इनपुट को आप कैसे दोगे, दोगे 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब ये हुआ 0, ये हुआ 1, ठीक है, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, क्योंकि दो इनपुट हैं, दो इनपुट के मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4, ठीक है, क्योंकि 2 raised to the power अगर आपको देखना हो कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, तो 2 raised to the power जितने भी उसके इनपुट्स हैं आप 2 की पावर पर उसको चढ़ा दीजिए, मतलब उसको आप उस पर पावर लगा कर देख लीजिए, तो कितने हो जाएंगे उसके आउटपुट, कितने मिलेंगे आपको, 4 आउटपुट मिलेंगे अगर इनपुट आपके 2 हैं। अब देखिए अगर 0 0 एंड गेट में क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी, यानी कि इसका जो आउटपुट मिलता है एंड गेट का वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है, यानी कि अगर 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0, 0 1 की करेंगे क्या होगा, 0 1 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, क्योंकि बाइनरी में कभी भी 1 1 मतलब अगर एडिशन आप करोगे तो 1 + 1 2 नहीं होता, अगर आप अभी तो फिलहाल उसकी मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एडिशन में भी अगर हम बात करेंगे तो 1 + 1 2 नहीं होता, क्योंकि 2 जो होती है वो डेसिमल डिजिट हो जाती है, जबकि जो हम जो बात कर रहे हैं वो बाइनरी की बात कर रहे हैं, बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होते हैं, बाइनरी का मतलब ही होता है कि उसका जो बेस होता है, बाइनरी का मतलब क्या है कि जो उसका बेस है वो 2 है। डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल का मतलब ये हुआ कि जो उसका बेस है वो 10 है, ठीक है। अभी हम ये सारी चीज़ें जो बाइनर के कौन कौन से नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं गेट की। तो देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि एंड गेट का आउटपुट आपको कब हाई मिलेगा। बाइनरी में 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई, या आप कह सकते हो ऑफ और ऑन, हाई मतलब ऑन, ठीक है। सर्किट की बात करें तो अगर आपको हाई 1 मिल रहा है आउटपुट में, ए इंटू बी क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, यानी हाई मिल रहा है। हाई का मतलब क्या हो गया, सर्किट ऑन है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एंड गेट में आपको आउटपुट कब हाई मिलेगा, तो कब हाई मिलेगा, जब इनपुट दोनों क्या होंगे, हाई होंगे, दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, हाई, यानी 1 1, तभी आपको उसी केस में आपको देखिए क्या मिल रहा है, आउटपुट हाई मिल रहा है। अगर एक भी इनपुट हाई है, जैसे यहाँ पर बी हाई है, यहाँ पर ए हाई है, मतलब कि 1 है, ठीक है, तब भी आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना। दूसरा गेट देखते हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा गेट देखते हैं, वो है और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है वो होता है ए प्लस बी, एडिशन होता है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे हो गया ए, ये हो गया बी, हमने 2 इनपुट दिए, आउटपुट कितने मिलेंगे, 2 raised to the power 2, यानी 4, ए प्लस बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसका एडिशन करते हैं, बाइनरी फॉर्म में 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि और गेट में आपको हाई कब मिलेगा, या इसमें चूंकि हाई तो आपको तीनों जगह पर मिल रहा है, आपसे पूछ सकता है और गेट में आपका लो कब मिलेगा। तो लो कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट क्या होंगे, लो होंगे, यानी कि 0 0 होंगे, तब आपको क्या मिलेगा, और गेट में लो मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका और गेट। अब हम बात करते हैं तीसरा गेट, जो बेसिक गेट है, ये तीनों ही बेसिक गेट हैं। तीसरा गेट होता है नॉट गेट। सिंबल ये सारे सिंबल हैं, आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ के ये केवल सिंबल देकर पूछ ले के, जैसे ये किसका सिंबल है, ठीक है, कि ये किसका सिंबल है, या ये इस टाइप से बना होता है, ये और गेट का सिंबल है। अगर ये एक डायोड टाइप का, एक ट्राइंगल टाइप का बना के पीछे नॉट लगा दें तो वो नॉट का सिंबल होता है, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट है, आप यहाँ देख रहे हो एक ही इनपुट है, एक इनपुट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 raised to the power 1, यानी आउटपुट कितने होंगे, 2, ठीक है। आउटपुट 2 कौन कौन से हो सकते हैं, ए
नॉट गेट का मतलब क्या होता है, आउटपुट हमेशा आपको ए बार मिलता है. बार का मतलब क्या होता है कि अगर आउटपुट इनपुट आपका जीरो है तो वन मिलेगा, वन है तो जीरो मिलेगा. यानी कि इनपुट आपका एक था, इनपुट क्या है एक, आउटपुट आपको कितने मिले दो. यानी कि ए बार क्या है, यह है नॉट गेट. इसमें ये पूछ सकता है कि नॉट गेट में अगर इनपुट जीरो है या इनपुट लो है तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, तो आउटपुट कैसा मिलेगा हाई. बार कर दो आप उसका, अगर हाई है तो आपको क्या मिलेगा लो. जस्ट ये इन्वर्टर, इसको आप इन्वर्टर भी बोलते हो. तो ये हो गए तीन बेसिक गेट. अच्छा अब इसको मैं रब कर देती हूँ. आपके दो और गेट होते हैं, वो होते हैं, एक होता है आपका एक्स और गेट और एक होता है आपका एक्स नॉर गेट. ठीक है, क्वेश्चन एक ये भी आता है कि एक्स और गेट है, आपको ये दे देगा कि इसका ये क्या है या एक्स और गेट कौन सा है. ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें आपको बताना है एक पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, इसमें आपको बताना है एक्स और गेट कौन सा है. तो आपको इनका मतलब कैसे इनको डिनोट करते हैं ये भी पता होना चाहिए. तो एक्स और गेट का सिंबल जो होता है वो होता है ये बीच में प्लस साइन. एक्स नॉर गेट का जो होता है वो होता है ये. ठीक, पहला क्वेश्चन बन गया. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. एक्स और गेट, सपोज दो इनपुट हैं इसमें ए बी, तो इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है. इसका मतलब ये होता है कि ए और ये जो हम एक्स और लगाते हैं ए एक्स और बी, इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट जो है वो है ए बार बी प्लस ए बी बार. ये क्या मिलेगा आपको आउटपुट, और मतलब इसका क्या हुआ ए एक्स और बी. ये होता है इस सिंबल का मतलब, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है आउटपुट. अब देखिए ये आपका जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन. ठीक है, दो ही इनपुट है ए बी, आउटपुट कितने मिलेंगे चार, जीरो वन टू थ्री फोर. अब देखिए इसको आप करो, इसको इस ये जो इक्वेशन है इसको बस सॉल्व करना है. कैसे, देखिए ए बार बी, ए बार बी का मतलब है ए क्या है जीरो, ए का बार क्या होगा वन. अभी मैं यहाँ पर बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, वन इंटू बी क्या है, बी है जीरो, प्लस ए क्या है, ए है जीरो, बी बी क्या है जीरो, बट बी का क्या है बार, बी का बार क्या होगा वन. वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, आउटपुट क्या आया जीरो. ठीक है, दूसरा देख लेते हैं. ये सेम सारे ऐसे ही होंगे, जैसे ए बार बी, ए बार यहाँ पर ए क्या है जीरो, इसका बार क्या होगा वन, बी क्या है वन, प्लस ए जीरो, बी बी क्या है वन, वन का बार यानी कि जीरो. आउटपुट क्या आएगा वन इंटू वन वन, प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन. ठीक, ऐसे ही आप सारे अगर करते हो, यहाँ पर इसको कर लेते हैं जीरो इंटू जीरो, प्लस ये आ जाएगा आपका ए यानी वन इंटू, और जीरो का बार यानी वन, यहाँ पर आ जाएगा आपका वन. इसको आप करो जीरो, बी का वन, ए का वन और ये जीरो. इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछ सकता है कि जो एक्सोर गेट है उसमें आपका कब आपको हाई मिलेगा, तो हाई आपको दो बार पे मिलेगा. कहाँ कहाँ पर, जब एक भी इनपुट, देखो आप यहाँ पर हाई आपको कम मिल रहा है, इसको आप रब कर देते हैं, इसका आउटपुट हमें समझ में आ गया. ठीक है, तो हाई आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, हाई आपको दो जगह पर मिल रहा है. जब पहली बात, दो जगह पर मिल रहा है जब एक भी इनपुट अगर हाई है, यानी या तो वो बी हो या वो ए हो, इन दोनों में से अगर एक भी इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा हाई. अगर दोनों सेम है, या तो जीरो जीरो या वन वन, तो आपको लो ही मिलेगा. तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है, और अगर आपको ये याद भी नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फटाफट उसको रफ में सॉल्व करके देख सकते हो आंसर. ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, एक्स और गेट हो गया है. अब हम बात, एक्सनॉर में क्या होता है कि एक्सनॉर में, जैसे एक्सनॉर का सिंबल होता है ए एक्सनॉर बी, ये इसका सिंबल होता है. इसकी इक्वेशन अगर हम खोलें तो इसकी इक्वेशन बनती है ए बी प्लस ए बार बी बार, ये इसकी इक्वेशन बनती है.
अच्छा इसमें क्या होता है, ये जस्ट जैसे एक्सोर है, एक्सोर का जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो एक्सनॉर होता है, यानी जैसे एक्सोर में जहाँ जहाँ हाई मिलता है और जहाँ जहाँ लो मिलता है जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका देख लेते हैं, ए और बी अगर दो इनपुट हैं, इसको हमने दे दी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये किस केस में होगा, ये होगा ए एक्स नॉर बी के केस में। आप देख लेते हैं इसको, इक्वेशन को सॉल्व करके, ये लिखा है ए बी, ए बी का मतलब 0 × 0 प्लस ए बार यानी कि 1, ए का बार मतलब 0 का बार, ठीक है, बी बार, बी बार का मतलब है 0 का बार यानी 1। अब है ए बी यानी कि 0 × 1 प्लस ए बार यानी कि 1 और बी बार यानी कि 0, क्यों, क्योंकि बी क्या है 1, तो बी का बार क्या होगा 0। ए इंटू बी यानी 1 × 0 प्लस ए बार बी बार यानी कि 0 × और 0 का बार क्या होगा 1। इसका क्या है, ए इंटू बी प्लस ए बार बी बार यानी 0 × 0। आप आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या बना, 0 प्लस 1 1 1, 0 × 1 0 1 × 0 0 आउटपुट 0, 1 × 0 0 आउटपुट 0, 1 प्लस 0 1, यानी कि आपने देखा क्या है, ये जस्ट ऑपोजिट है एक्स और का। एक्स और में क्या था, एक्स और में ये था कि जहां जहां अगर एक भी इनपुट हाई है तो आपको हाई मिल रहा था आउटपुट में, ये जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर दोनों इनपुट हाई है तभी आपको हाई मिलेगा, या फिर दोनों इनपुट लो है तभी आपको आउटपुट पर हाई मिलेगा, या तो दोनों इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट लो हो। तो ये बात हो गई आपकी एक्स नॉर की, ठीक है। अच्छा ये जैसे जो 3 गेट होते हैं वो होते हैं एंड नॉट और गेट, इन्हीं से हम सारे गेट्स को डिराइव करते हैं। एक्स और गेट हमने देख लिया, एक्स नॉर गेट हमने देख लिया, इसके अलावा एक होता है नैंड गेट। नैंड गेट जो है होता है, नैंड में क्या है, नॉट प्लस एंड, ये होता है नैंड गेट। नैंड गेट का एंड गेट क्या था, ये इसी में अगर हम एक नॉट लगा दें यानी एक बबल लगा दें तो इसका जो जो एंड गेट का जो आउटपुट मिल रहा था, ठीक है, बस उसका क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर सपोज एंड गेट अगर होता तो क्या आउटपुट मिलता, ए इंटू बी, आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी, एंड गेट के केस में। बट चूंकि इसमें नॉट लग गया और नॉट गेट का क्या हो जाता है, आउटपुट हमेशा, अभी हमने नॉट गेट में देखा था, इन्वर्टेड हो जाता है, तो ए बी बार। यानी कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 × 0 क्या करोगे, आना चाहिए 0, बट वो हो क्या जाएगा, नैंड गेट के केस में 1, ठीक है। ये होता है नैंड गेट। ऐसे ही आपका होता है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है कि ये है आपके 2 इनपुट, ठीक है, अगर इसका आउटपुट लेते हैं ए बी, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी, किस केस में, और गेट के केस में। लेकिन अगर नॉट प्लस और है यानी नॉर है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। सपोज 2 इनपुट हैं 0 और 0, ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। लेकिन ये किस केस में होगा, और गेट के केस में। नॉर गेट में क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्ट, नॉट लग जाएगा, 0 का बार क्या हुआ, 1, ठीक है। तो इस तरह के ये गेट्स हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एक्सोर गेट, एक्सनॉर गेट, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है तो आप इजीली इसको, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी, लॉजिक गेट्स देखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह हमारा जो कंप्यूटर का एक सेक्शन है ये भी ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। अभी वैसे बहुत सारे सेक्शंस बाकी हैं, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। और उम्मीद है आपको ये जो गेट्स हैं और ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर ये आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।